हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन डस्मिन किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मसालेदार पालक की कचौरी। ये एक हेल्दी वेजिटेबल है, लेकिन बच्चे इसे जनरली पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हम इनकी कचौरियाँ बनाएंगे जिसका कलर और टेक्सचर बेहद ही खूबसूरत आता है और बच्चे इसे पसंद से खाते भी हैं। इसे हम इजी स्नैक्स के रूप में बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं या फिर बच्चों के बर्थडे पर भी बना सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। इसे बनाने के लिए मैं 200 ग्राम पालक ली हूं, जिसे मैं धोकर अच्छे से साफ कर ली हूं, 4-5 लहसुन की कलियां और थोड़ी सी अदरक ली हूँ, नमक स्वाद के अनुसार डालूंगी, लाल मिर्च पाउडर आधे छोटे चम्मच, आधे छोटे चम्मच गर्म मसाला पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, आधे छोटे चम्मच धनिया पाउडर, आधे छोटे चम्मच जीरा पाउडर, अजवाइन और मंगरेला, ये काली मिर्च मैं जिसे कूट कर डालूंगी, और 2 कटोरी आटा मैं ली हूँ और तलने के लिए रिफाइंड ऑयल। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं गैस को ऑन पर करूंगी। कढ़ाई गर्म होने पर मैं इसमें पालक के पत्ते डालूंगी। कढ़ाई गर्म हो गया है, इसमें मैं पालक के पत्ते, धोए हुए पालक के पत्ते डालूंगी। फ्लेम को धीमा कर दूंगी। लहसुन और अदरक, लहसुन की कलियां और अदरक मैं इसमें डाल दूंगी। नमक मैं डालूंगी जिससे पालक थोड़ा सा मुलायम हो जाएगा, थोड़ी सी नमक। एक बार मैं इसे मिला दूंगी। मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी, ये जो पानी छोड़ेगा उसी में मैं आटे को गूंथ दूंगी ताकि इसके सारे विटामिन्स इसमें रहें। इसे ढक कर मैं 3 मिनट तक पकाऊंगी सिम फ्लेम पर। 3 से 4 मिनट हो गया है, हमारा पालक अब बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसे ठंडा होने के बाद इसको पीस लूंगी। देखिए ये पानी भी छोड़ दिया है, इसमें आसानी से आटा गूंथा जाएगा। अब इसे ठंडा करके मैं एक मिक्सी में पीस लूंगी। ये पालक मैं पीस के तैयार कर ली हूँ, अब मैं आटे को तैयार करूंगी। आटे में मैं डालूंगी थोड़ी सी हल्दी पाउडर, आधा छोटे चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर मैं डालूंगी आधा छोटे चम्मच, आधा छोटे चम्मच जीरा पाउडर और ये जमाइन और मंगरेला मैं डाल दूंगी। नमक मैंने पालक में भी डाला है, इसलिए नमक अंदाज से डालूंगी कि नमक का स्वाद सही है। मैं थोड़ी सी गोलकी इसमें क्रश करके डालूंगी और 2 से 3 बड़े चम्मच रिफाइंड मैं डालूंगी। और सबको अच्छे से मिला दूंगी। देखिए बहुत ही खूबसूरत कलर आ रहा है। इसे मैं अब पालक के साथ गूंथ दूंगी। ये मैं जो पालक पीसी हूँ पहले इतना डालूंगी और इसे मिलाऊंगी। मैं इसमें सारे पालक के पेस्ट डाल दी हूँ, अब इसे अच्छे से हाथ से मिलाऊंगी। आटे को मुझे गूंथ कर मुलायम करना है अच्छे से। देखिए आटा एकदम तैयार हो गया है। आटे को मैं 2 से 3 मिनट तक मिलाकर एकदम मुलायम बना ली हूँ। ये देखिए आटे का टेक्सचर ये रहा। आटा इस तरह तैयार कर लें, अब हम इसकी कचौड़ियाँ तक बनाएंगे। आटे के मैं छोटे छोटे पेड़े बना ली हूँ, ये देखिए आप जिस साइज का चाहे बना सकते हैं। इसे मैं आटे में डस्ट करके बेलूंगी। तब तक मैं रिफाइंड कर चढ़ा दी हूँ और गैस को मीडियम फ्लेम पर कर दी हूँ ताकि हमारा रिफाइंड गर्म हो जाए। इसकी हमें गोल शेप में पूड़ियाँ बेल लेनी है। देखिए आटे पेड़े को मैं आटे से डस्ट कर ली हूँ, अब इसे मैं एकदम बराबर बेलूंगी अच्छे से। बेल लेना है, आप जिस भी साइज का चाहें तो बेल सकते हैं। मैं इस साइज का बेल रही हूँ। इसी तरह मैं और पूरियाँ तैयार कर लूँगी बेल बेल कर। अब मैं रिफाइंड चेक कर लूँगी, ये डालूंगी और ये तुरंत ऊपर आ जाए तो मैं समझूंगी कि हमारा रिफाइंड कचौड़ियाँ तलने के लिए तैयार हो गया है। ये देखिए रिफाइंड एकदम तैयार हो गया है।
अब मैं इसमें डालूंगी और कचौड़ी को डालूंगी। फिर मैं हल्का हल्का प्रेस करके फुला लूंगी। देखिए एकदम फूल गई। मैं दूसरी डालूंगी। इसी तरह मैं सारी कचौड़ियां तैयार कर लूंगी। इसी तरह लाल करके हमें कचौड़ियों को निकाल लेना है। पूड़ियां तलकर तैयार हो गई हैं। इसे मैं सर्विंग ट्रे पे निकाल रही हूँ। मैं इसे लाल मिर्च के अचार के साथ सर्व की हूँ। यदि आप चाहें तो इसे मीठी चटनी, सब्जी, किसी चीज के साथ भी खा सकते हैं। मैं लाल मिर्च के अचार आपके साथ शेयर की हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।